अभी देख सकते रहेंगे यहाँ पर दो एसी है, एक है और एक यहाँ पर है। दोनों में डिफरेंस क्या है, वहाँ पर भी देख सकते रहेंगे फैन चल रहा है और इसका भी फैन चल रहा है, बट ये जो फैन चल रहा है ओनली एसी जो है साइलेंट पर है। अगर एसी जो ज़्यादा साइलेंट है उसमें भी गड़बड़ हो सकता रहेगा, ओनली फैन चलेगा तो साइलेंट रहेगा। जैसे तेरी सेक्शन में है कंप्रेसर नहीं चल रहा है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो हम यहाँ से पाइप पकड़ रहे हैं, ये सक्शन पाइप गर्म है, लिक्विड पाइप गर्म है, नॉर्मल गर्म है ये, यानी कि कंप्रेसर चल नहीं रहा है, तो जो एम्बियंट टेम्परेचर है बाहर का टेम्परेचर से ये पाइप दोनों गर्म रहेगा। और बट यहाँ पर फैन जो है ये कंटिन्यू चल रहा है, इसके अंदर शायद नहीं दिखता रहेगा आपको कैमरा में, बट यहाँ पर देख सकते रहेंगे फैन कंटिन्यू चल रहा है। इसी तरह से यहाँ पर जो है ये फैन चल रहा है और यहाँ पर साउंड सुन सकते रहेंगे आप, सरसराहट की साउंड है। और ये पाइप ठंडा है, नीचे का पाइप पतला वाला ये गर्म है, ये ठंडा है, अभी ये बंद हो गया है, साइलेंट हो गया, अभी भी देख सकते रहेंगे, और देख सकते हैं ये भी बंद हो गया और ये साइलेंट हो गया है। तो बेसिक जो है अगर कंप्रेसर ट्रिप रहेगा, सिर्फ फैन ही चलेगा, तो कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे चीज़ और देखने को मिलेगी, यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो ठंडा हवा फेंकेगा, ये अभी देखिए चालू होगा ये, और देख सकते रहेंगे ये कंप्रेसर चालू हो गया, देखते हैं अभी आवाज़ आपको डिफरेंस हो गया, पहले साइलेंट था, फैन का स्पीड भी देख सकते रहेंगे बढ़ गया, फैन का स्पीड भी बढ़ गया और यहाँ पे ये कंप्रेसर जो है पाइप ठंडा हो गया सक्शन, और लिक्विड भी थोड़ा नॉर्मल रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, गैस भी जैसे ये तो ठंडा हो जाएगा। तो ये हमारे दिखाने का बताने का मकसद ये है, अगर स्प्लिट ए सी है, कोई सा भी ए सी है, अगर यहाँ पर हाथ लगा रहे हैं ये ठंडा हवा फेंक रहा है, स्प्लिट ए सी है, कोई सा भी है, हाथ लगा रहे हैं हम यहाँ पर हवा ठंडा फेंक रहा है, वो कंडीशन में कंप्रेसर नहीं चल रहा है। अगर कंप्रेसर चलेगा तो यहाँ पर हाथ लगाएंगे गर्म रहेगा, और पाइप भी पकड़ेंगे, ये ऊपर का सक्शन मोटा पाइप और जैसे पतला है, ये मोटा पाइप ठंडा रहेगा और ये पतला ये नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, जैसे कि और आपको आवाज़ आएगा कंप्रेसर की चलने की भारी आवाज़ आएगा। अगर कंप्रेसर नहीं चलेगा सिर्फ साइलेंट ही मोड रहेगा, साइलेंट की आवाज़ आएगा, तो कंडीशन में कंप्रेसर नहीं चल रहा है उसका रीज़न बहुत हो सकते रहेंगे, या तो विंडो से पी सी बी कमांड नहीं आ रहा है, या कॉन्ट्रेक्टर का प्रॉब्लम है, या ख़राब हो गया है, या और कुछ प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, इसका सर बहुत प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, वो सब चीज़ें उसमें जाना देखना रहता है, देखते हैं करते किस तरह से रहता है। तो कंडीशन में अगर नहीं चल रहा है तो हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, सिर्फ फैन चल रहा है, देख सकते हैं फैन मोटर है, फैन चल रहा है यहाँ पर, ये कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कंप्रेसर के यहाँ से हम चेक करेंगे पावर यहाँ पर इन हो रहा है या नहीं हो रहा है, पावर यहाँ से इन हो रहा है कंप्रेसर से नहीं हो रहा है, यहाँ पर फेस न्यूट्रल हम चेक कर लेंगे, ये फेस हो गया है, यहाँ से न्यूट्रल लेकर के यहाँ से हम चेक कर लेंगे, फेस न्यूट्रल चेक करेंगे, यहाँ पर पावर आ रहा है नहीं आ रहा है, पावर देख सकते रहेंगे यहाँ पर न्यूट्रल यहाँ पर दे दिया गया है, कॉमन डायरेक्ट दे दिया है, यहाँ पर न्यूट्रल एक पावर लगाएंगे या फेस देखेंगे, देखेंगे कैपेसिटर है, कैपेसिटर के पॉइंट पर आ रहा है और यहाँ से रनिंग के लिए आउट हो रहा है नहीं हो रहा है, टर्मिनल तक देखेंगे यहाँ पावर आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब वायर प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, या फिर यहाँ तक पावर आ गया बट यहाँ से कैपेसिटर से आउट नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्टार्टिंग पर नहीं जा रहा है, अगर स्टार्टिंग पर नहीं आएगा तो कंप्रेसर नहीं चलेगा, स्टार्टिंग पर नहीं चल रहा है इसका मतलब कैपेसिटर वीक है, कैपेसिटर वीक होने की वजह से या फॉल्टी होने की वजह से यहाँ से पावर जो स्टार्टिंग के लिए नहीं देगा तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा। तो बेसिक चेक करने के लिए यहाँ पर फेस न्यूट्रल देखेंगे और यहाँ से पावर देकर भी चेक करते हैं कि पावर यहाँ पर आना चाहिए, तीनों टर्मिनल पर हमें पावर शो करना चाहिए, न्यूट्रल यहाँ पर फिक्स रखेंगे, न्यूट्रल यहाँ फिक्स रख करके हम फर्स्ट जो यहाँ पर पावर चेक करेंगे, यहाँ पावर आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर भी पावर चेक करेंगे, यहाँ पर पावर आना चाहिए, आ रहा है इसका मतलब सही है, अगर नहीं पावर आ रहा है कैपेसिटर से यहाँ रनिंग जो डायरेक्ट पावर यहाँ पिन हुआ और यहाँ से पावर डायरेक्ट यहाँ पर आ गया इसका मतलब ये सही है। उसी तरह से अगर कैपेसिटर है कैपेसिटर से आउट भी होना चाहिए, कैपेसिटर से आउट हो रहा है यहाँ पावर आ रहा है इसका मतलब कैपेसिटर सही है। कैपेसिटर में क्या होता है 370 वोल्टेज या जितना उस पर जो कैपेसिटर देखे रहेंगे कैपेसिटर लिखा रहता है कैपेसिटर के ऊपर, यहाँ पर 45 mFd है UF है, तो उसके बाद 440 वोल्टेज लिखा रहेगा या 370 वोल्टेज लिखा रहेगा, जितना वोल्टेज लिखा है उतना वोल्टेज यहाँ कैपेसिटर से दूसरा पॉइंट से आउट होना चाहिए, आउट हो रहा है तो ठीक है, नहीं आउट हो रहा है इसका मतलब कैपेसिटर फॉल्टी है, कैपेसिटर हमें चेंज करेंगे और इसको चालू करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है बेसिक देख सकते रहेंगे। तो बेसिक कुछ इस तरह से रहता है, एसी वगैरह चेक करना जानना देखना रहता है, ये सर करते हैं तभी जैसे पूरा बंद हो गया, सिस्टम बंद हो गया है, अरे साइलेंट हो गया है, साइलेंट होने के बाद नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर आ जाएगा, दोनों पाइप ठंडा है एक जैसा हो जाएगा,
तो ऐसा करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा इस दर से जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहे, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है ऑल नोटिफिकेशन आपसे ऑन जरूर करें, जैसे कुछ भी वीडियो बनाए आपके पास भेज सके और आप भी जा सके, दे सके, सीख सके। तो ये वीडियो नए टेक्निशियन लोग पास शेयर करें, इसी तरह से बेसिक जानकारी मिलता रहे, सीखता रहे, जानते रहें। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।